डिवोर्स के बाद, डिवोर्स की चर्चा के बाद, न्यूज के बाद फाइनली तौर पर पहली दफा काजोल देवगन को मनीष मल्होत्रा की दिल्ली शो में देखा गया। फैंस का कहना था कि वाकई ये एक ऐसी हमारी क्वीन है जो कि अपनी हर अपनी पर्सनल लाइफ को अलहदा रख चुकी हैं, जबकि अपने करियर को बनाने के लिए बहुत ज्यादा फोकस कर चुकी हैं। क्योंकि इनकी लेटेस्ट इंटरव्यू में इनकी शादी के दरमियान जो ट्रबल आई, इनकी शादी में जो ट्रबल चल रही है उसका बहुत ज्यादा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन काजोल ने इसके बारे में खुलकर तो कभी बात नहीं की, लेकिन अब फाइनली तौर पर ये जरूर देखा जा रहा है कि ये अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। इनकी मूवी भी आ रही है, इनकी मूवी आ चुकी है, एक वेब सीरीज आ रही है, जबकि यहाँ पर भी ये मनीष मल्होत्रा के शो में इन्होंने अकेली ने अपीयरेंस दी। फैंस का कहना था कि हमें ऐसी ही माँ चाहिए जो कि अपने बच्चों को बगैर बाप के, यानी कि अगर उनका बाप इस टाइम पर बात की जाए रिलेशनशिप की, तो टब्बो इज द मेन रीजन, जो कि अजय देवगन की बचपन की सहेली है, वो मेन रीजन है इनकी आपस में डिवोर्स का। और उन्हीं सारी चीजों से दूर रहने के लिए काजोल देवगन अब यग और नाइसा के साथ अलहदा अपनी जिंदगी बसा चुकी हैं। और इन सारी चीजों में काजोल देवगन अपने करियर पर जिस तरीके से फोकस कर रही हैं मनीष मल्होत्रा के शो में, जस्ट स्टनिंग लगी आपको व्यूअर्स काजोल देवगन कैसे लगी और अपने करियर पर इतना फोकस करते हुए दोबारा से इतने सालों बाद कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।